वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। सिविल कोर्ट ने रीडर और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया। यह जो पीडीएफ वायरल हो रहा है, ये सही पीडीएफ है। आप सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 नोटिस यहाँ पे लेटेस्ट दिया गया है, जिसमें से पहला नोटिस जो है कुछ 2016 के जो कैंडिडेट थे उसका रिजल्ट पेंडिंग था, उसका रिजल्ट दिया गया, कुछ स्टेनो वाले का दिया गया, और साथ में ही यहाँ पे 3 नंबर वाले पे देख सकते हैं कि आपको एक नोटिस दिया गया है जो कि स्टेनोग्राफर और रीडर वाले के लिए दिया गया। जैसा कि आपके सामने यही नोटिस दिख रहा है, तो ये नोटिस वायरल हुआ है, तो ये नोटिस सही है, जिसमें से इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लर्क वाले की डेट अभी नहीं दी है, प्यून वाले की डेट अभी नहीं दी है, ठीक है। सिर्फ 2 डेट अनाउंस हुए हैं, जिसमें से एक कोर्ट क्लर्क रीडर का है और एक आपके स्टेनोग्राफर का है। तो चलिए मैं स्टेनोग्राफर के ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है 17 दिसंबर 2023 को लिया जा रहा है, सेम डेट को ही एग्ज़ाम स्किल टेस्ट और टाइपिंग ले लिया जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रीडर वाले पोस्ट में पीटी का एग्ज़ाम लिया जा रहा, क्योंकि वैकेंसी के टाइम बोला गया था कि अगर अधिक स्टूडेंट होंगे सिलेक्ट फॉर्म भरने में तो वहाँ पे एक पीटी, फिर एक मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कोर्ट क्लर्क का डेट आना बाकी है, जैसे ही उसका डेट अनाउंस होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और स्टेनो वाले को खासा ध्यान देना है, क्योंकि इसके प्रिपरेशन को और बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक डेट में ही सारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो स्टेनो वालों को थोड़ा सा अवेयर होकर अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं है कि हिंदी का जो फॉन्ट लिया जाएगा वो कुर्ती देव रहेगा या रेमिंगटन गेल रहेगा या इनस्क्रिप्ट रहेगा। तो आप लोग इंक्वायरी करके या डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आयोग से यह जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि फ़ोन पे बहुत बार मैंने भी कांटेक्ट किया है, फ़ोन को लेकर के एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अभी रिसेंट ही बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ स्टेनो वाले का, जो कि 24 सितंबर 2023 को हुआ था, इससे पिछली बार जो बहाली हुई थी उसमें कुर्ती देव फॉन्ट लिया गया था, लेकिन 24 वाले एग्ज़ाम का 20 तारीख को नोटिस दिया गया था, जिसमें से रेमिंगटन गिल कर दिया था, जिसके चलते काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए फॉन्ट को लेकर के भी आप लोग जागरूक रहें और फॉन्ट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चीज़ आपको आयोग से लेटर के द्वारा या RTI के द्वारा या फ़ोन कॉल के माध्यम से बात करके जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मेन डिटेल में जो हम रीडर वाले के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि वैकेंसी जब रीडर वाले का आया था तो टोटल 1132 वैकेंसी था, ठीक है। तो यानी कि जो 1:10 में वो रिजल्ट देंगे तो आप इसका 10 गुना लगा लें, ठीक है, यानी कि 11,1320 वैकेंसी आपको ये क्वालिफाई करके स्टूडेंट का मेंस लेंगे। तो ये जो जॉब है लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मेंशन कर रखा था पहले ही कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगा तो 3 स्टेज होंगे, जिसमें से PT होगा, रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं PT का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका MCQ पूछा जाएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा। और जो रिटेन टेस्ट होगा आपका ये 90 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो रिटेन टेस्ट है आपका ये 90 मार्क्स का होगा। 90 मार्क्स में जो होंगे आपके 50 मार्क्स के MCQ पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और 20 मार्क्स के हिंदी डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो टोटल 90 मार्क्स को इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ रहेगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इसका सिलेबस है उसे भी अच्छे से आप ध्यान दें,
क्योंकि इसमें लेटर राइटिंग, ए से प्रेसिस, कंप्रिहेंशन एंड वोकेबलरी है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड कर लेना होगा, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें नोटिस से भी आपको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन जो है पिछला 2016 में डाले हुए थे। और इंग्लिश में तो आपका ये सारा सिलेबस है, हिंदी में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, साइनोनिम एंटोनिम जो होता है वो है, हिंदी में सही वर्ड, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेक शब्द, यहाँ पे इसका टोटल सिलेबस है। मैं इसको डिटेल में नहीं एनालिसिस करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए। जो आपका 15 नंबर करेंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स 10 नंबर है, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट है, आप जोड़ के देख लीजिए इसको, 15, 25, 35, 15, 50 नंबर का, जिसमें से पर कंप्यूटर से भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्यूटर पे भी खासा ध्यान देना है, क्योंकि कंप्यूटर और करेंट अफेयर्स मिला के ही 30 नंबर कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मेंस के ऊपर। जब मेंस होगा आप लोगों का, उस समय आपका टाइपिंग भी टेस्ट लिया जाएगा, और टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो आपको स्पीड दे रखा है 40 का स्पीड दे रखा है, और हिंदी में जो स्पीड दे रखा है 30 स्पीड दे रखा है, ठीक है। और एक्यूरेसी 90% दोनों में है, लेकिन हिंदी का फॉन्ट जो है क्लियर करके नहीं रखा है, ठीक है। तो हिंदी का फॉन्ट जो है दो ही फॉन्ट हो सकता है, या तो कुर्ति देव लेंगे या तो रेमिंगटन गिर लेंगे, जो मेरा अपना एनालिसिस है, ठीक है, रेमिंगटन गिर लेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि टाइपिंग में जो मार्क्स है, ये टाइपिंग में आपके 100 मार्क्स हैं और मेंस में 90 मार्क्स हैं, तो 190 मार्क्स और 10 नंबर इंटरव्यू में है, यानी कि 200 मार्क्स पे आपका मेरिट बनना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर इन चीज़ों पे गौर दें करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो 40 स्पीड है, तो एग्ज़ाम में 40 स्पीड है, तो आप एटलीस्ट आपका अपना स्पीड जो है 45 प्लस बैंड होना चाहिए। 45 प्लस बैंड स्पीड होगा तभी आप इसके अच्छे से एग्ज़ाम में टाइप कर सकते हैं। हिंदी में 30 है तो मान के चलिए आप 35 प्लस बैंड स्पीड करते हैं तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मार्क का प्रोसेस भी क्लियर नहीं कर रखा है कि कितने स्पीड में कितने मार्क्स देंगे। मान लिया जाए कि कोई 40 स्पीड मार रहा है, क्वालिफाई कर गया, तो उसको मार्क्स किस हिसाब से देंगे, तो उस हिसाब से तो सभी को 50 मार्क्स तो दे नहीं सकते हैं, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया होगा, वो भी निर्धारित करेंगे। तो इससे आपको एक समझ डेवलप हो जाना चाहिए आपके, क्योंकि ये स्पीड के अकॉर्डिंग ही मार्क्स देंगे और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स देंगे। तो आपको इस पे भी अच्छा खासा मेहनत करना है, पीटी के भी एग्ज़ाम को तैयारी करते रहना है, साथ में अपना स्किल जो है टाइपिंग का उसको भी प्रैक्टिस में रखना है। क्योंकि अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस का सीन जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जब छट जाएंगे ना तो आपका वो सिलेक्शन पॉइंट जो यही है, क्योंकि जो पीटी का मार्क्स है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।